इसके बाद हम कुछ रेजिन के बारे में जानेंगे। रेजिन भी एक प्रकार से बहुलक ही है। यहाँ हम तीन प्रकार के रेजिन के बारे में जानेंगे, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो सबसे पहले हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो है उसमें देखेंगे नोवोलॉक और बेकेलाइट। तो इन दोनों में ही जो एकलक अणु है वो है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। जो नोवोलॉक है इसमें भी फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है। जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड बहुत अधिक मात्रा में आपस में किसी भी अम्लीय उत्प्रेरक के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है इन दोनों को, तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर देखिए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से ऑर्थो और पैरा बेंजिल एल्कोहल बना। लेकिन जब नोवोलॉक बनता है तो ये जो ऑर्थो बेंजिल एल्कोहल है इसी के बार 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 पुनरावृत्ति से इन्हीं के बहुलीकरण से बनता है नोवोलॉक। तो नोवोलॉक जो है वो एक प्रकार का रेखीय बहुलक होता है जो कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल के बार बार रिपीटेशन से बनता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि जो ऑर्थो बेंजिल एल्कोहल के अणु हैं वो आपस में संघनित होते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं यहाँ भी जल का अणु निकलता है, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, तो यहाँ से OH और दूसरे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का H, ये दोनों जब कंबाइन होता है तो H2O बाहर निकलता है। तो इस तरह से बेंजीन रिंग, ऊपर OH CH2, फिर बेंजीन रिंग, ऊपर OH और फिर CH2। तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन लगातार बनता जाता है और नोवोलॉक बनता है। इसके बाद हम देखेंगे बेकेलाइट। तो बेकेलाइट का जो नाम है वो बेकलैंड वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया है। उन्होंने ही सबसे पहले 1910 में इसे बनाया था। तो बेकेलाइट का निर्माण भी जब हम देखते हैं तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से ही होता है। यहाँ पर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं लेकिन क्षार की उपस्थिति में जब इनमें क्रिया होती है, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बना। जब बेकेलाइट का निर्माण होता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का एन अणु और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का एन अणु, इनके संघनित होने से ही बनता है बेकेलाइट का अणु। तो जब इसका संघनन हम देखते हैं तो एन, यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, यहाँ हम ले रहे हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो इस तरह से एक लंबा चेन बनेगा, एक शीट जैसी स्ट्रक्चर बनती दिखाई दे रही है। इधर से हम देख रहे हैं OH CH2, फिर एक बेंजीन रिंग है, उधर OH और फिर CH2। यहाँ पर एक ये रेखीय स्ट्रक्चर हो गई। फिर इसके बाद हम एक और रेखीय स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी बेंजिल एल्कोहल से ही रिलेटेड, लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में एक CH2 भी है। तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा दोनों ही जो बेंजिल एल्कोहल है ये आपस में संघनित होते जाते हैं, लगातार जल का अणु निकलता जाता है और इस तरह से एक सीधी श्रृंखला है, फिर एक सीधी श्रृंखला है, लेकिन इन दोनों के बीच में CH2 CH2 CH2, इस तरह से एक बंधा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग बहुलक के रूप में जानते हैं, या इसे हम तिर्यकबद्ध बहुलक भी कहते हैं, क्रॉस लिंक बहुलक के नाम से भी ये जाना जाता है। जब ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल आपस में संघनित होते जाते हैं तो बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम एक शीट जैसी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और होल एन कर देते हैं। तो होल एन करने से ये समझ में आता है कि ये एक बहुलक अणु का निर्माण हुआ, यह एक क्रॉस लिंक्ड बहुलक होता है। बेकेलाइट का जो उपयोग है वो इसके बहुत सारे गुणों के आधार पर अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है। जैसे कि जो मृदु बेकेलाइट होते हैं इनका प्रयोग वार्निश में, लीकर बनाने में किया जाता है, और जब बहुलीकरण की बहुत अधिक मात्रा दिखाई देती है तो कठोर बेकेलाइट बनता है। और कठोर बेकेलाइट जो होते हैं इसका प्रयोग विद्युतीय जो इंसुलेटिंग उपकरण होते हैं वहाँ किया जाता है, कंघियों को बनाने में, फाउंटेन पेन में, फोनोग्राफ रिकॉर्ड में, कंप्यूटर डिस्क में और बर्तनों के हैंडल वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ बेकेलाइट होते हैं जो सल्फोनीकृत होते हैं, यानी उसका सल्फर से रिलेटेड जो यौगिक है उनके साथ इसकी क्रिया कराकर सल्फोनीकृत बेकेलाइट भी बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो जल का शुद्धिकरण होता है वहाँ पर जो आयन विनिमय रेजिन है उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो इसमें जो दो एकलक है वो है मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामाइन का सूत्र ही यहाँ पर थोड़ा सा नया दिख रहा है, बेंजीन रिंग जैसा ही स्ट्रक्चर हम बना दिए, लेकिन यहाँ अल्टरनेट एन
फिर इसके बाद NH2, फिर N, फिर NH2, फिर N और फिर NH2। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मेलामाइन का, और इसमें कई सारे फॉर्मेल्डिहाइड के अणु जब आपस में दोनों संघनित होते हैं तो एक मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग है, तो इसमें भी लगातार संघनन हो रहा है, अर्थात जल काणु निकलता जाएगा। तो इस NH2 में से H और HCHO में से OH इस तरह से निकलता जाएगा, तो लगातार एक लॉन्ग चेन बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पहले मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है, और इसके कॉम्बिनेशन से बार बार जुड़ने से बनता है मेलामाइन रेजिन। तो यहाँ पर बना है देखिए मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसमें हम बेंजीन रिंग NH2 इधर है और इस तरफ दिखाई दे रहा है NHCH2OH। जब ये वाला स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होगा तो H और OH रिएक्ट होकर के H2O बना लेंगे, और इस तरह से एक मेलामाइन रेजिन जो है वो तैयार होता है। मेलामाइन रेजिन जिसके जो गुण हैं ये कठोर होते हैं और ये थर्मोसेटिंग बहुलक होता है। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से बनी हुई जो क्रॉकरीज होती हैं उसको एक नाम दिया गया है मेलमोवेयर, और इस नाम से ही ये प्रचलित होता है। तो जो मेलामाइन होता है इसका उपयोग, चूँकि ये कठोर होता है, नॉन ब्रेकेबल होता है, तो इसका प्रयोग कई जगह पर कप, प्लेट, ये सारी चीज़ें बनाने में, यानी क्रॉकरी उद्योग में ये बहुत ही जाना पहचाना एक नाम है। डाइनिंग टेबल के सेट भी इससे बनाए जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो नाम से ही स्पष्ट है इसमें भी जो दो एकलक होंगे, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा ही और दूसरा होगा यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 और फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। यहाँ पर N अणु ले रहे हैं NH2CONH2 प्लस NHCHO, तो ये आपस में कंबाइन हो रहा है लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर पर, तो बनता है NHCONH और CH2O। तो इसमें लगातार देखिए होल N कर देते हैं तो बन जाता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है ये भी कठोर और रंगीन एक प्लास्टिक होता है। इसके द्वारा जो प्लाईवुड होती है उसकी कोटिंग की जाती है, एडहेसिव वगैरह बनाए जाते हैं, पेपर फाइल्स होते हैं उनको बनाने में भी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक औद्योगिक बहुलक है जिसे हम थियोकॉल कहते हैं। जो थियो शब्द है इसका संबंध सल्फर से होता है, यानी यहाँ पर एक ऐसा यौगिक है जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट है। तो पहला जो इसका एकलक है वो एथिलीन डाइक्लोराइड, और दूसरा एकलक है सोडियम पॉलीसल्फाइड। तो एथिलीन डाइक्लोराइड का फॉर्मूला बहुत आसान, CH2Cl, और सोडियम डाइसल्फाइड Na2S2, तो Na और फिर SS लिंकेज है और फिर Na हो गया। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि NaCl निकलता जाएगा और इस प्रकार एक लॉन्ग चेन बन गया CH2, SS, फिर से CH2 होल N कर दिए। तो इस प्रकार थियोकॉल का निर्माण होता है। थियोकॉल जो है वो रसायनों से अप्रभावित होते हैं, आसानी से ये क्रिया नहीं करते हैं केमिकल्स में, तो इस वजह से इसका प्रयोग टैंक की लाइनिंग करने में की जाती है, इंजन के जो गैस्केट है उसको बनाने में किया जाता है, या किसी भी ऑक्सीकारक के साथ इसको मिक्स करके रॉकेट के जो ईंधन है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि प्लास्टिक और रेजिन में क्या डिफरेंस होता है। तो रेजिन जो है वो एक अक्रिस्टली कार्बनिक ठोस, या इसे हम अर्ध ठोस के रूप में भी जानते हैं, इसमें चमक होती है और ये पारदर्शक भी होते हैं। और जो प्लास्टिक है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हमने देखा है कि उसे आसानी से मोल्ड भी किया जा सकता है, लेकिन मोल्ड करने का गुण रेजिन में नहीं होता है। जब प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो वो नरम हो जाता है और गल कर बहता नहीं है, लेकिन रेजिन को जब गर्म करते हैं तो ये गल जाता है और गलने के बाद ये बहने लगता है। तो ये मेन डिफरेंस है रेजिन और प्लास्टिक में। इसी प्रकार जो प्लास्टिक का आणविक द्रव्यमान होता है वो रेजिन की तुलना में अधिक होता है। प्लास्टिक का उपयोग, चूँकि ये तेल और विद्युत के प्रति अवरोधी होते हैं, इस वजह से इसका प्रयोग हवाई जहाज या अन्य गाड़ियों को बनाने में भी किया जाता है, कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने में भी किया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक रेजिन होते हैं वो या तो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर कीड़ों से प्राप्त होते हैं। जो संश्लेषित रेजिन होते हैं उसका उपयोग प्रायः पेंट्स बनाने में, वार्निश बनाने में, स्याही बनाने में और साबुन बनाने में किया जाता है।
अब हम रबर प्रकार के जो बहुलक है उनके गुणों और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। हमने इनके एकलकों के संघनन को देख लिया था, एकलकों के जुड़ने को देखा था पहले ही। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्राकृतिक रबर। इसका जो एकलक होता है वो है आइसोप्रीन। इसे हम नाम देते हैं 2-methyl-1,3-butadiene। तो जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है रबर। ये जो रबर है ये अधिक तापमान पर नरम हो जाता है और बहुत कम तापमान पर ये भंगुर भी हो जाते हैं। और इसमें जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। और इसी प्रकार से अध्रुवी जो विलायक होते हैं उसमें ये विलेय होते हैं और ऑक्सीकरण अभिकर्मकों के आक्रमण के प्रति भी ये प्रतिरोधी नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो रबर है उसके गुणों के कारण ही उसके विभिन्न उपयोग भी देखने को मिलते हैं। तो जो रबर है उसमें सल्फर के परसेंटेज के आधार पर इसका जो गुण है वो डिपेंड करता है और इस आधार पर इसका उपयोग भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे रबर जिसमें केवल 1-3% ही सल्फर होते हैं तो ये नर्म होते हैं और प्रत्यास्थ होते हैं। और इसी वजह से इस प्रकार के जो रबर होते हैं इनका प्रयोग रबर बैंड बनाने में किया जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है ऐसे रबर की जिसमें कि 5% सल्फर होता है। तो 5% सल्फर वाले जो रबर होते हैं उसका प्रयोग ऑटो टायर्स वगैरह बनाने में किया जाता है। अब कुछ ऐसे रबर भी देखने को मिलते हैं जिसमें कि 30% सल्फर होता है। हमने पहले भी देखा है कि वल्केनाइज्ड रबर यानी सल्फर युक्त रबर जिसमें कि रबर की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए सल्फर मिला दिया जाता है तो उसे वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं। यहाँ हम उन्हीं वल्केनाइज्ड रबर के अलग अलग कैटेगरीज के गुणों के बारे में और उपयोग के बारे में देख रहे हैं। तो अगला जो हम देख रहे हैं वो 30% सल्फर वाला जो रबर होता है ये बहुत अधिक इलास्टिसिटी वाला होता है और इसी वजह से इसका उपयोग कार में और बैटरी के रबर बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम कुछ संश्लेषित बहुलकों के बारे में जानेंगे जिसमें नियोप्रीन है। नियोप्रीन का एकलक होता है क्लोरोप्रीन। तो पहले ही हमने देखा था जैसे आइसोप्रीन यूनिट है तो आइसोप्रीन यूनिट में CH3 है और यहाँ क्लोरोप्रीन में हम उसी CH3 के जगह पर Cl लगा देते हैं तो यहाँ भी नाम होगा 2-chloro-1,3-butadiene। इसी के बार बार जुड़ने से बनता है नियोप्रीन। ये जो नियोप्रीन रबड़ है इसका नेचर है थर्मोप्लास्टिक, मतलब इसको गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक रबर की तुलना में इसके नरम होने की प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी कम होती है और वायु के द्वारा जब ये ऑक्सीकृत होते हैं और इसी गुण के कारण तेल, गैसोलीन और अन्य जो विलायक के प्रति ये अवरोधी होते हैं और इसी सब गुण के कारण ये जो प्राकृतिक रबर है उनसे ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये सब जो गुण है इसके कारण ही इसका प्रयोग पेट्रोल का जो डिलीवरी पाइप है को बनाने में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के बहुत सारे भाग बनाने में, जो जूते बनते हैं उसके एड़ियों के स्टॉपर बनाने में, बेल्ट बनाने में नियोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। नियोप्रीन से बना हुआ जो कन्वेयर बेल्ट होता है उसका उपयोग कोयले के खदान में किया जाता है और ये आग के प्रति बहुत अधिक अवरोधक होते हैं और इसी वजह से इसका प्रयोग कोयले खदान में कन्वेयर बेल्ट के रूप में किया जाता है। ब्यूना एस के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। ब्यूना एस जिसे SBR भी कहते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, इसके जो एकलक है वो है ब्यूटाडाइन और स्टायरीन। तो इनके बनने की प्रक्रिया को हम पहले ही समझ चुके हैं, अभी हम इसके गुण और उपयोग को देखेंगे। तो ब्यूना एस भी जो बहुलक होता है ये सामान्यतः टूट फूट मुक्त होता है यानी ये आसानी से टूटता फूटता नहीं है। इसका जो तनन सामर्थ्य है वो भी जो प्राकृतिक रबड़ की तुलना में थोड़ा सा कम होता है और इन्हीं सब गुणों के कारण इसका प्रयोग गाड़ियों के टायर बनाने में, रबड़ सोल बनाने में, बेल्ट बनाने में किया जाता है। तो कई सारे बहुलकों का जो उपयोग है आप देख रहे होंगे कि लगभग एक जैसे ही है। तो बहुलकों का हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है ये भी आप लगातार समझते जा रहे हैं। इसके बाद अगला जो संश्लेषित रबड़ है वो है ब्यूना एन, जिसे GRA नाम से भी जानते हैं, जनरल पर्पस रबड़ एक्राइलो नाइट्राइल GRA। यहाँ पर भी जो एकलक है वो है ब्यूटाडाइन यानी 1,3-butadiene और दूसरा एकलक है एक्राइलो नाइट्राइल। तो ये हमने बनाने का मेथड पहले ही देख लिया था कि ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल के जुड़ने से यहाँ बनता है ब्यूना एन। तो ब्यूना एन जो है वो कठोर प्रकृति का होता है
और ऊष्मा पेट्रोल और लुब्रिकेटिंग तेल और कई सारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसके प्रति ये अप्रभावित होते हैं। और इसका जो प्रयोग है, क्योंकि ये बहुत सारे लुब्रिकेटिंग ऑयल पेट्रोल इनके प्रति अप्रभावित होते हैं, इसलिए इसका उपयोग जो पेट्रोल टैंक है उसको बनाने में किया जाता है। ब्यूना एन एवं ब्यूना एस के मध्य अंतर। ब्यूना एन के जो एकलक हैं वह है 1,3 ब्यूटा डाइईन तथा एक्राइलोनाइट्राइल, जबकि ब्यूना एस 1,3 ब्यूटा डाइन एवं स्टाइरीन का सहबहुलक है। ब्यूना एन कठोर तथा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ब्यूना एस बहुत अधिक कठोर होते हैं। ब्यूना एन का उपयोग ईंधन टैंक एवं सील बनाने में होता है, जबकि ब्यूना एस का उपयोग गाड़ियों के टायर, रबर सोल, बेल्ट इत्यादि बनाने में होता है। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। तो ये जो बहुलक होते हैं वो एकलक अणुओं के लगातार जुड़ने से बनते हैं। तो यहाँ पर कई सारे एकलक अणु जब आपस में जुड़ते जाते हैं तो श्रृंखला युक्त अणुओं का निर्माण होता है। अब ये जो बहुलीकरण की क्रिया है ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। यहाँ पर जो अभिकारक अणु हैं वो लगातार आपस में टकराते हैं और इन्हीं कारणों से ही बहुलक अणु का निर्माण होता है। तो एकलक अणुओं का जो संयोग होता है या जुड़ना जो होता है वो एक रैंडम प्रोसेस है, यानी यहाँ पर जो श्रृंखला का समापन है वो किसी भी स्टेप में हो सकता है। तो जब ये श्रृंखला का समापन किसी भी स्टेप में हो सकता है तो जो संश्लेषित बहुलक है वो कई आकार के बन सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इनका जो आणविक द्रव्यमान है वो निश्चित नहीं हो सकता। इसके आणविक द्रव्यमान का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो औसत रूप में कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे जो बहुलक होते हैं, जो संश्लेषित बहुलक है, उसको औसत आणविक द्रव्यमान के रूप में ही उसके आणविक द्रव्यमान को लिया जाता है। जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं जैसे कि प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, इनके जो संगठन है वो तो ज्ञात है, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो भी लगभग निश्चित ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम है संश्लेषित बहुलकों का, क्योंकि वो लगातार केमिकली जुड़ते जा रहे हैं बहुत सारे एकलक अणु, तो वो किसी भी पद में समाप्त हो सकते हैं। तो इसलिए औसत आणविक द्रव्यमान इनके लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो जब बहुलकों का औसत आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तो इसे दो विधियों से या दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला होता है संख्या औसत आणविक द्रव्यमान, जिसे हम यहाँ पर m बार n के रूप में दर्शा रहे हैं, और दूसरा होता है भार औसत आणविक द्रव्यमान, जिसे m बार w के रूप में दर्शाते हैं। अब हम विस्तार से देखेंगे कि संख्या औसत आणविक द्रव्यमान m बार n को कैसे सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसमें जो बहुलक में उपस्थित जो अलग अलग अणु होते हैं उनके जो अणु भार है उनके योग में जो बहुलक के कुल अणुओं की संख्या है उसका भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान संख्या या औसत आणविक द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर जो N1, N2 और N3 है यह अणुओं की संख्या है, और M1, M2, N3 लगातार उन्हीं अणुओं के आणविक द्रव्यमान होते हैं। तो इसमें जब संख्या का औसत आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तो M बार N बराबर होगा जो बहुलक है, बहुलक का जो सैंपल है उसका कुल अणुभार बटा बहुलक अणुओं की कुल संख्या। तो इन दोनों के अनुपात को ही कहते हैं औसत आणविक द्रव्यमान संख्या का। तो यहाँ पर जब इसे सूत्र के रूप में और दर्शाएंगे तो N1 M1 प्लस N2 M2, तो लगातार कई सारे अणुओं के इसी प्रकार उसकी जो संख्या है और उसका जो आणविक द्रव्यमान है उन सब का योग करेंगे और कुल अणुओं की संख्या से यानी N1 प्लस N2 प्लस N3 इनसे भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है संख्या का औसत आणविक द्रव्यमान। तो इसे व्यक्त करने के लिए समेशन ऑफ Ni Mi अपॉन समेशन ऑफ Ni, तो i यानी कई सारे अणु बहुलक अणु जो आपस में जुड़ते हैं उनको दर्शाया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं भार औसत आणविक द्रव्यमान। तो ये जो भार औसत आणविक द्रव्यमान है इसमें बहुलक के किसी भी सैंपल में उपस्थित जो प्रत्येक अणु उसके कुल आणविक द्रव्यमान
या जो उसके कुल द्रव्यमान को उसके आणविक द्रव्यमान से गुणा करते हैं, और जो प्राप्त गुणक होता है उसको सबको जोड़ लेते हैं और प्रत्येक प्रकार के बहुलक अणुओं के कुल द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त जो आणविक द्रव्यमान है उसे हम भार औसत आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र होगा वो औसत आणविक द्रव्यमान बराबर है एम बार डब्लू बराबर स्मॉल एम वन है, स्मॉल एम वन और कैपिटल एम वन। जो ये स्मॉल एम वन है ये यहाँ पर द्रव्यमान को दर्शाता है, जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं एन आई एम आई से, और यहाँ पर एम वन उस अणु का आणविक द्रव्यमान है। तो इन सब का जब समेशन करते हैं तो ये जो सूत्र है वो इस तरह से प्राप्त होगा। कई सारे अणु जब आपस में ये जुड़ेंगे तो एम वन स्मॉल एम वन कैपिटल एम वन प्लस स्मॉल एम टू कैपिटल एम टू फिर स्मॉल एम थ्री कैपिटल एम थ्री अपॉन होगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो कुल अणुओं का जो भार है द्रव्यमान है वो यहाँ पर योग किया गया है। अब एम बार डब्लू यानी भार का औसत आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो समेशन ऑफ एन आई एम आई का स्क्वायर ले रहे हैं, तो एम आई इंटू एम आई है इसलिए एम आई का स्क्वायर हो गया अपॉन समेशन ऑफ एन आई एम आई। तो ये जो स्मॉल एम वन है उसकी जगह पर या हम इसे द्रव्यमान के रूप में जो दर्शा रहे हैं तो उस अणु की जो संख्या है और उस अणु का जो द्रव्यमान है आणविक द्रव्यमान उसके मल्टीप्लिकेशन से गुणक से हम इसके द्रव्यमान की गणना करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर एम बार डब्लू बराबर है समेशन ऑफ एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एन आई एम आई। अब हम देखेंगे पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स या जिसे पीडीआई कहते हैं, इसे बहुविसरण सूचकांक भी कहा जाता है। ये जो बहुविसरण सूचकांक है इसको ज्ञात करने के लिए या पीडीआई को ज्ञात करने के लिए जो भार औसत आणविक द्रव्यमान और संख्या औसत आणविक द्रव्यमान इन दोनों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो ये जो पीडीआई है ये वास्तव में किसी भी बहुलक के होमोजेनेटी या समांगता की माप होती है। जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसके लिए पीडीआई की वैल्यू 1 होती है, मोनो डिस्पर्स्ड पॉलीमर होता है ये। तो इस प्रकार जो बहुलक जिनकी इकाई में होती है पीडीआई का मान वे बहुलक समांगी होते हैं और इनके द्रव्यमानों में भी बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे बहुलक जिनके लिए पीडीआई का मान 1 से ज़्यादा होता है उन्हें बहुविसरित बहुलक या पॉली डिस्पर्स्ड पॉलीमर भी कहते हैं। जैसे कि पीडीआई का मान 2 से अधिक भी हो सकता है तो इसमें जो भार औसत आणविक द्रव्यमान का मान है यानी एम बार डब्लू का जो मान होता है उसका मान संख्या औसत आणविक द्रव्यमान के मान से अधिक होता है। इसी वजह से ये पीडीआई की वैल्यू 1 से अधिक भी प्राप्त होती है। तो जब कभी भी संख्या औसत आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तो इसके लिए प्रायः इसका जो निर्धारण है वो अणु संख्या गुणों के आधार पर जैसे कि परासरण दाब क्वथनांक में उन्नयन हिमांक में अवनमन इन सब गुणों के आधार पर इसके लिए ज्ञात किया जाता है संख्या का औसत आणविक द्रव्यमान। और जब भार का औसत आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है यानी एम बार डब्लू तो इसके निर्धारण के लिए प्रकीर्णन प्रकाश प्रकीर्णन सेडिमेंटेशन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इन सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि वास्तव में जैव बहुलक किसे कहते हैं। तो जैव बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं उसे हम जैव बहुलक कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुलक भी हैं जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल हो रहा है, इसे हम संश्लेषित बहुलकों की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बहुलक होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से निम्नीकृत नहीं होते हैं यानी प्राकृतिक निम्नीकरण प्रक्रमों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, और इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं वो ठोस अपशिष्ट जो द्रव्य है उनके संचयन के लिए उत्तरदायी होते हैं यानी ये आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो बहुत लंबे समय तक ये प्रकृति में रह जाते हैं, निम्नीकृत नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इन ठोस अपशिष्टों के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आजकल वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऐसे संश्लेषित बहुलकों को बनाने का प्रयास किया है जो कि जैव निम्नीकृत होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसी श्रेणी में हम दो प्रकार के बहुलकों को जानेंगे।
तो जो जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं वे किस प्रकार के बहुलक होते हैं? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो सकते हैं, यानी डिग्रेड हो सकते हैं, छोटे छोटे खंडों में वो टूट सकते हैं। तो जो संश्लेषित बहुलकों की उपयोगिता जो है वो हमारे जीवन में बहुत अधिक है, तो ये हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है, लेकिन इसका लगातार उपयोग बहुत बड़ी एक पर्यावरणीय समस्या भी है, तो इसका निस्तारण करना भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने है। तो आधुनिक बहुलक इस प्रकार से बनाए जाने लग गए हैं जिसकी संरचना जो है वो जैव बहुलक से मिलती जुलती हो, जिसका आसानी से जैव निम्नीकरण किया जा सके। तो इसकी वजह से पर्यावरणीय समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला इस श्रेणी में जो बहुलक है जिसका प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है, इसे हम PHBV के नाम से जानते हैं। PHBV का पूरा नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। इनको बनाने के लिए जो दो एकलक हैं वो है 3-hydroxybutanoic acid और दूसरा एकलक है 3-hydroxypentanoic अम्ल। तो इन दोनों के संयोग से बनता है PHBV। तो 3-hydroxybutanoic acid जैसा फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन है जिसमें से एक COOH है और इसमें तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है OH। इसी तरह से यहाँ पर हम ले रहे हैं 3-hydroxypentanoic अम्ल, तो 3-hydroxypentanoic अम्ल में भी 5 कार्बन परमाणु जिसमें से एक COOH है और इसमें भी तीसरे कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसके लगातार जुड़ते जाने से बनता है PHBV। जो PHBV है इनके गुणों को जब हम देखते हैं तो इसके जो गुण हैं वो दोनों एकलकों के गुणों का सम्मिलित रूप होते हैं। जैसे जो 3-hydroxybutanoic acid होता है ये कठोरता प्रदान करता है PHBV को, जबकि 3-hydroxy जो पेंटेनोइक अम्ल होता है ये उसे लचीला बना देता है। तो PHBV का जो प्रयोग है, ये इस प्रकार के जैव निम्नीकृत बहुलक का जो प्रयोग है वो बहुत सारे पैकिंग सामग्रियों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। हड्डियों से रिलेटेड जो उपकरण है उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है और कई जगह पर नियंत्रित रूप से औषधियों को मुक्त करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण में इस PHBV का से बनी हुई वस्तुओं का जो निम्नीकरण है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अगला जो जैव निम्नीकृत बहुलक है वो है नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है नायलॉन 2 नायलॉन 6, तो इसको बनाने के लिए जो दो एकलक है, पहला एकलक है ग्लाइसिन और दूसरा एकलक है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। यहाँ ग्लाइसिन NH2CH2COOH और दूसरा हम ले रहे हैं NH2 और CH2 whole 5 COOH। तो आप देखिए ग्लाइसिल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है जबकि कैप्रोइक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है तो नायलॉन 2 और यहाँ पर 6 कार्बन परमाणु है तो नायलॉन 6। तो यहाँ पर भी संघनन की क्रिया देखने को मिलती है, इसमें से OH और इसमें NH2 का H, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं H2O अणु बनता है और एक लगातार लंबी चेन का निर्माण हुआ है। तो NH CH2 CO NH CH2 whole 5 और CO whole n। तो यहाँ पर भी देखिए संघनन हुआ और बहुत सारे जल के अणु बाहर निकले। तो बनाने की प्रक्रिया वैसे ही है, लेकिन ये ऐसे बहुलक होते हैं जो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं, आसानी से बायोडिग्रेड हो सकते हैं, जैव निम्नीकृत हो सकते हैं। कुछ ऐसे जो बहुलक होते हैं जो अजैव निम्नीकृत होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बहुलक जो निश्चित समय अवधि पर आसानी से अपघटित नहीं होते हैं तो अजैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। जैसा हमने देखा अभी जो संश्लेषित बहुलक है वो वास्तव में अजैव निम्नीकृत बहुलकों की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्यों वो आसानी से अपघटित नहीं होते हैं? तो जो अजैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं उसमें हम देखते हैं कि प्रायः श्रृंखलन की क्रिया होती जाती है, श्रृंखला वृद्धि बहुलक होते हैं और उसमें देखा गया है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रायः सभी बहुलकों में। लेकिन जो जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं इसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति के कारण ये अलग तरह के बॉन्ड बनाते हैं और इस वजह से ये जैव
अपघटित हो सकते हैं। तो जो जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं उसमें तो कई सारे बहुलक हैं, जैसे पीवीसी है, जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, ये सारी जो एथिलीन्स होती हैं वो अजैव निम्नीकृत बहुलकों की श्रेणी में आते हैं।